ये आप प्रूफ देख सकते हैं कि मैंने 48 घंटों में 28 घंटे वॉच टाइम लिया है। तो वॉच टाइम आप देख सकते हैं कि 48 घंटों में 28 घंटे मैंने वॉच टाइम लिया है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, और यही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो फिर चांस तो है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेके आया हूँ, थंबनेल लेके आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज आपका भाई आपको बताएगा कि आप लैपटॉप के ज़रिए कैसे अपना वॉच टाइम कम्प्लीट कर सकते हैं 4000 घंटे। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा आपको एक स्टेप करना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपका वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे लैपटॉप के ज़रिए हम अपना 4000 घंटा कम्प्लीट कर सकते हैं वॉच टाइम। तो चलते हैं फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और फिर वहाँ आपको मैं समझाता हूँ। तो चले जी, अब आते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम जाएंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ हम ऑन कर लेंगे अपना चैनल। अपना चैनल ओपन करने के बाद वीडियोस में आना है, और फिर देखना है कि जो वीडियो हमें चलानी है, मतलब वो बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटे की तो होनी चाहिए। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं भी 3 घंटे वाली वीडियो चलाता हूँ अपनी। तो ये मैंने अभी अपनी 3 घंटे वाली वीडियो ऑन कर रहा हूँ। अब जैसे ये वीडियो ऑन हो गई और एड लग गया है, एड जो आ रहा है ये मोनेटाइज वाला नहीं है यूट्यूब की तरफ से, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो हमारी वीडियो अभी ऑन होने वाली है, और ये वीडियो ऑन हो गई है। तो वीडियो ऑन हो गई है, अब हम इसको चलाएंगे ज़्यादा, मतलब अभी ऊपर जाके इस टैब पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें डुप्लीकेट जो ये लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, और ये एक और टैब ऑन हो गया। इसी तरीके से हमें राइट क्लिक करना है ऊपर, फिर डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, ये नया टैब ऑन हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके के से हमारे लैपटॉप में जितनी भी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से हमें टैब ऑन कर लेने हैं, 10 हो 15 हो 20 हो 25 हो। तो अगर मिसाल के तौर पे आपकी 3 घंटे की ये वीडियो है, जैसे मेरे 3 घंटे की वीडियो है, अगर मैं इसको 10 टैब में चलाता हूँ तो 3 घंटे के अंदर जो मुझे वॉच टाइम मिलेगा वो होगा 30 घंटे। टाइम मेरा लगेगा 3 घंटे, लेकिन वॉच टाइम मुझे मिलेगा 30 घंटे का। तो इसी तरीके से अगर आप 20 कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा वॉच टाइम 60 घंटे का। तो इसी तरीके से आप अपना बकाया जो वॉच टाइम आपका रह गया है आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पूरा वॉच टाइम कंप्लीट मत करें, कुछ जेन्युइन भी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एंड के 500 700 800 वॉच टाइम रह गया है तो वो आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत काम में भी आएगी, इंशाल्लाह फ़ायदेमंद वीडियो होगी। और भाई को भी सपोर्ट करें आप, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर चैनल पर अभी आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे भी अभी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। तो इंशाल्लाह मतलब दुआ में याद रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार। चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।